अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी मैं छत पे आई हूँ सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और कल वाले शाम में को मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सुबह मैंने प्योर सैंड की वीडियो रिकॉर्ड करने का, उस व्लॉग में शेप्स देखे और ये बेड़ा वर्क देखे। ये वेवी मुझे नीचे से थोड़ा ड्राई लग रहा है। अब ना इसे मैं इस तरह छोड़ सकती हूँ, ना इसकी सही वीडियो बननी है। अजाब में मुबतला हूँ मैं इन मनहूस बिल्लियों की वजह से। गुस्सा आ रहा है मुझे, ऊपर आते ही दिमाग ख़राब हो गया। अभी तो मैंने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहना, शूज़ भी नहीं पहना, ऐसे ही ऊपर सिर्फ मैं आई हूँ अभी। और क्या करूँ मैं इनका। ये हम शाम को सारे टेक्सचर्स बना के गए थे, उस व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था, तो हम जल्दी जल्दी नीचे चले गए थे। कैमरा ब्लर पता नहीं क्यों है। अब ठीक हो गया। ये सारे टेक्सचर, ये चारकोल वाला, ये स्टोन क्रश ब्लैक, वो येलो स्टोन क्रश, वो क्रंची प्योर सीमेंट, और इधर ये ग्रीटी सैंडमेंट। ये चार पांच टेक्सचर्स अंकल बना के फिर गए थे। जाके फिर इफ्तारी का भी देखना होता है सारा सिस्टम। अब मैं उसका क्या करूं, मुझे ना इंतहा का गुस्सा आ रहा है, इंतहा का, इंतहा का। अब पता नहीं इसमें बिल्ली ने गंद भी डाला है कि बस तोड़े ही है। अब मैं चेक करती हूँ क्या मुसीबत है। इतनी जलालत, इतनी जलालत। कोई चीज ही नहीं मिल रही। ये मिल गई है, फिर समझ भी नहीं आती इंसान क्या करे इसका। लग तो रहा है कि बच गया है, देख के ही पता चलेगा। क्या मैं कल रिकॉर्ड करूं, लांती मनहूस। ये ऊपर से गीला ही लग रहा है मुझे। फिटेमो वो भी गिर गया उसके ऊपर। उस दिन भी मैंने सैंड फेंकी है, आप फिर फेंकूंगे इसी तरह। ये वेस्ट हो के ना मेरे टेक्सचर कम हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि बच गया। नहीं, नो 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 नो, लानत। व्हाट द हेल। इसी तरह आगे ना टाइम वेस्ट होता है। अब जब तक मैं इसको सारा ठीक करूंगी तब तक शो शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई मनहूस बिल्ली मारी जाएगी। फिर यही कहना मैंने, इसको कोई और जगह नहीं मिलती। मैं इतना नीचे से खुश खुश आई थी कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके वीडियो तो फिर नीचे वापस आ जाऊंगी। मैंने लिटरली ये जो गंदगी है इसको अपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है। गलती से ही सही, लेकिन मुझे भूलता नहीं है वो सीन। मुझे लगा टेक्सचर और मैं उसे ना यूं ऐसे करम्बल कर रही थी, पर वो था लानत। क्या कहूँ ना, जरा के दिल खराब हो रहा है मेरा। अब ये भी सैरी की है, जब मैंने ये प्योर सैंड न्यू टेक्सचर बनाया था ना उस वक्त भी ना इसमें इस तरह गंद आ के जाती थी और मुझे बार बार इसको शिफ्ट करना पड़ा था। फिर डाउट रहता है बीच में, जब से मैंने हाथ में क्रम्बल किया ना मुझे फिर उलझन ही रहती है जब तक मैं पूरी सही तरह सेटिस्फाई ना हो जाऊँ।
आवाज़ आ रही छाई रहती है, तो मुझे इसे बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा था। अब फिर मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे ये जो टूटी फूटी शेप्स हैं चाहे इनको ही करूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। अभी तो लग रहा है कि और कुछ नहीं है, मैं अपनी वीडियोज रिकॉर्ड कर लूँ पहले, फिर शोर शुरू हो जाता है। मेरे पास एक हद तक लिमिटेड टाइम है, इसमें मैंने अपना काम ख़त्म करना है। एक ये रिकॉर्ड करनी है, एक ये करनी है, ये भी पता नहीं ड्राई हुई है कि नहीं। चंक्स तो ड्राई हैं, शेप्स नहीं ड्राई होंगी नीचे से। हाँ जी, शेप्स नीचे नीचे से गीली हैं, लेकिन मैं ये भी कर दूँगी। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है ना पेंडिंग पड़ी हुई कि मुझे उनका डिप्रेशन ही हो गया। फिर जो कहते हैं बार बार कि आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करती, आप मेरी नहीं करती, आप सबकी करती हैं, आप मेरी नहीं करती, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द पूरी कर सकूँ, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत नहीं हो रही तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। अब ये जो रेड डर्ट है, इसकी पता नहीं 3 या 4 रिक्वेस्ट हैं, और ये रेड डर्ट का मैंने आई थिंक लास्ट टाइम 2 वीक्स तो मस्ट है ना, 2 वीक्स पहले अपलोड की थी। बीच में एक कंपाइलेशन वीडियो की थी, लेकिन वो पुरानी वीडियोस थी, उनकी कंपाइलेशन थी। न्यू मैंने मेरा ख्याल है 2 वीक्स पहले ही की थी, और तब से 2 वीक्स ये टब इस तरह का इसी तरह ही पड़ा है। ये मुझे लग रहा है अभी भी ना अंदर से गीला है, शाम को तो गीला ही था, लेकिन जैसा भी है ना मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं और वेट नहीं करा सकती उनको जिन्होंने इस टेक्सचर की रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैं ये 3 तो पकी है ना, ये वाली वो और वो, ये 3 रिकॉर्ड करने के बाद देखूँगी। अगर शोर ना हो रहा होगा तो फिर ये रेड कॉन्क्रीट और वो रेड ग्रीन ही, इन 2 की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर दूँगी। वैसे इतना काम होगा नहीं, मैंने प्योर सीमेंट जो फ्रेश है ना, ये नीचे से ड्राई नहीं है अभी, इसकी कैंसल। जो प्योर सीमेंट है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना देर लगा पड़ा है, तो मुझे वो टेक्स्चर जो है ना शिफ्ट करके बनाना पड़ता है। ये भी नीचे से गीले हैं, वो टेक्स्चर जो है ना शिफ्ट करके बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सारा टाइम ज़्यादा लगता है। उतने टाइम में 2 टेक्स्चर तो ईजीली बन जाते हैं, जितने टाइम में वो एक अकेला बनता है, बेशक उसकी क्वान्टिटी थोड़ी है अभी, लेकिन उसको शिफ्ट करके बनाना होता है फिर टाइम थोड़ा लग जाता है। तो आज वो मैंने लाजमी बना देना, चाहे वीडियो ये मेरे हाथ अभी गंदे हुए हैं, चाहे वीडियो एक आध कम रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो टेक्सचर में बना जाऊँगी। सबसे पहले मैंने ये दुख समेटना अपना, ये जो अजाब है ना ये इसको समेटना है। बड़ी बातें हो गया, अल्लाह हाफिज़, मैं अपना काम कर लूँ, टाटा बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। ये मैंने जो टब था ना उसको ज़रा पीस पीस कर दिया, थोड़ी सी मैंने 7 वीडियो भी बनाई है इसकी सैंड ब्ले की, और अब मैं ये शिफ्ट करने लगी हूँ। ये वो है जिसमें डाउट था, और वो बाकी बची है जो सारी शेप्स कुछ मुझसे भी टूट गई हैं, मैंने कहा इनको भी साथ ही शिफ्ट किया जाएगा। नो आवाज़ आ रही, ये सीमेंट ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आज भी कोई नहीं है ऊपर, मैं अकेली पावर हो रही हूँ, सांस उखड़ा भी अभी भी बना दिखाई गई। और ये जो टपड़ा था ना इधर, वो भी मैंने सोचा था पहले, मैं अभी मैंने लोगों ने बताया भी था कि मैं इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड करने लगूँ, लेकिन ना ये डैम भी बहुत था, डैम भी नहीं है, सेमी डैम है, सेमी ड्राई कह लो जो भी, मतलब इसकी वीडियो सही नहीं बन रही थी, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, तो मैंने इसको ना पीस पीस कर दिया ताकि अब ये जल्दी सूखे हो, टूट गया कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। चलो भैया आप इधर रेस्ट करें, तब ये जो बाकी रहेगी ना ये और वो थोड़ा थोड़ा इनकी मैं शेप्स बना लूँगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, कुछ पागलपन करने लगी हूँ। कैसे, ये जो है ब्लैक कंक्रीट, ये भी ड्राई हुआ है। एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप ना प्योर सैंड के टेक्सचर पे ना वॉक करें शूज़ पहन के, मतलब अपने जो भी स्लीपर चप्पल हैं पहन के ही, तो मैंने प्योर सैंड पे ना आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे ट्राई करने लगी हूँ, शेप्स के ऊपर ही चलूँगी। उन्होंने तो टेक्सचर पे वैसे ही कहा था ना, मैं इन शेप्स के ऊपर चलूँगी इनके ऊपर खड़ी होंगी, इसलिए मैं शूज़ भी चेंज करती आई हूँ। वो वाले शूज़ ना 1960 की आंटीज़ वाले। तो अब मैं ना ये रिकॉर्ड करती हूँ,
तो फिर देखिए गैया का कैसी बनी है। ओके सो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ अपनी, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफिज़। पागलपन वाली वीडियो हो गई है रिकॉर्ड। वैसे रिक्वेस्ट में ये नहीं था कि शेप्स के ऊपर ऐसे करना है, ऐसे था बस टेक्सचर है तो इसके ऊपर वॉक, लेकिन वो ना सही नहीं था। तो मैंने कहा अगर रिक्वेस्ट पूरी करनी है तो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कोई नहीं, एक टेक्सचर बनाने की मेहनत है, दोबारा बन जाएगा। और प्योर सैंड में ना क्रंच भी नहीं था, इसमें है। बड़ा महंगा पड़ा है, बार बार मुझे स्टोन चुभ रहे थे, शूज़ उतार उतार के निकाले हैं।
देखूंगी मैं व्लॉग वीडियो में वो पार्ट एडिट करती हूँ, ऐड के नहीं करती। देखिए कितना बड़ा स्टोन है, चुभे ना थे और क्या है। खैर अब बस ना मैंने ये सैंड शिफ्ट करनी है और इनको कवर करके ना नीचे चले जाना, मैं थक गई हूँ। कोई साथ होता है ना तो थोड़ी हेल्प हो जाती है और बातें करते करते ना जल्दी काम हो जाता है, लेकिन अब रोज़ा भी है, रोज़ा ना होता ना तो फिर मैं काम कर लेती, लेकिन अभी सारा दिन पड़ा, सारा दिन गुजारना है, इसलिए बस मैं इनको कवर करके ना इस हैंड शिफ्ट करके तो बस फिर नीचे जा रही हूँ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। 10 बार मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, आप लोग भी कहते हो गए जान ही नहीं छोड़ रही, अल्लाह हाफिज़ कहती है और फिर आ जाती है। मैंने कहा साथ साथ आप लोग भी ज़रा देख लेना कितनी मेहनत होती है, सांस अभी तक उखड़ा है और जब तक नीचे जा कर सुकून से बैठना नहीं है ना 10 मिनट, इसने ऐसे ही रहना है। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जा रही हूँ नीचे, आप लोग भी करें आराम। अल्लाह हाफिज़।